दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम लाइव मैच देखने गए हैं SMS स्टेडियम जयपुर में, और आज मैं मेरे दोस्तों के साथ यहां पर लाइव मैच देखने आया हूं। और अभी हम स्टेडियम में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप लाइव मैच देखने आए स्टेडियम में आए तो कृपया समय से बहुत पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ, नहीं तो एंट्री करने में बहुत दिक्कत होती है। आज हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा एंट्री के लिए, और जो टिकट हमने परचेज की थी उसमें हमें एंट्री भी नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें दूसरी टिकट के काउंटर पर जाकर वहाँ से हमें एंट्री मिली है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप मैच देखने जाएँ समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाएँ तो आपको एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। आज हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो यह मैं आपको मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। खैर अभी हम मैच देखने पहुँच चुके हैं, मैं मेरे दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ और आज हम यहाँ पर लाइव मैच का मज़ा लेने के लिए आए हैं। पूरा स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ है और सामने मैच चल रहा है। ये देखो पूरा स्टेडियम दर्शकों से भरा पड़ा है, और लोग जब भी लाइव मैच देखने आते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। तो हम भी आज आ गए हैं जयपुर SMS स्टेडियम में, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है और रात को मैच है, डे नाइट मैच है आज यहाँ पर। तो अभी हम मैच के लिए आए हुए हैं, और मैच में स्टार्टिंग में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत सारे विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, तो अभी मैच में इतना रोमांच नहीं आ रहा है। और हम भी थोड़े से मैच का आनंद लेते हुए, ये देखो बहुत सारे दर्शक मैच में, और सामने मैच चल रहा है अभी। दोस्तों लाइव मैच देखने का बहुत ही मज़ा है अपने आप में, सब कुछ चीज़ें हमें भी वहाँ पर इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती क्योंकि मैच काफ़ी दूर चल रहा होता है, लेकिन जो दर्शक वहाँ पे शूटिंग करते हैं, जो शोर मचाते हैं, उसका अपना एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही रोमांच है। दोस्त तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो एंजॉय करने के लिए आते हैं, सभी लोग खुलकर मज़े लेते हैं स्टेडियम के, शेयर करते हैं अपनी पसंदीदा टीम को, और सभी लोग एंजॉय करते हैं उन पलों को एक साथ। इतने सारे लोग एक साथ बैठकर जब मैच देखते हैं तो मैच का अपना एक अलग, लोग अभी मैच का आनंद ले रहे हैं और हम भी उनके साथ मैच का आनंद ले रहे हैं, और सभी दर्शक बहुत खुश हैं कि आज उनको ये मैच देखने का मौका मिल रहा है। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी काफ़ी समय के बाद कोई लाइव मैच हो रहा है इंटरनेशनल प्लेयर के साथ, तो सभी आज बहुत खुश हैं और सभी अब आज मैच का आनंद लेते हुए। मैं मेरे दोस्त सुमित जी और बालकृष्ण जी के साथ ये मैच देखने आया हूँ, और अभी हम SMS स्टेडियम जयपुर में हैं। दोस्तों मैच में बहुत सारा आनंद आता है, और लाइव मैच का जो मज़ा है वो अपने आप में एक अलग ही इंटरेस्ट है। खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली है आज यहाँ पर, आपको पानी की बोतल, सैंडविच, ये सब चीज़ें बहुत महंगी मिल रही है आज यहाँ पर। और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, बहुत सारे बाउंसर और पुलिस वाले हैं यहाँ पर सेफ्टी के लिए, और किसी भी तरह की अभद्रता ये लोग नहीं करने देते मैच के दौरान, और सभी को एक डेकोरम में मेंटेन करके रखते हैं। तो अभी ये मैच चल रहा है और सभी लोग मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अपनी पसंदीदा टीम को चीयर कर रहे हैं, और सभी लोग इस पल को जितना एंजॉय करना चाहते हैं वो अभी एंजॉय कर रहे हैं, और सभी जितना तेज़ शोर मचा सकते हैं उतना तेज़ शोर भी मचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे दोस्त भी चिल्ला रहे हैं अभी, और ये सामने राजस्थानी कल्चरल डांस का ग्रुप भी सामने से जाता हुआ, और राजस्थान को लेकर जो भी चीज़ें हैं टाइम टाइम पर उनका भी दर्शकों को एंटरटेनमेंट कराया जाता है, और ये अभी हमारे सामने से गुजरा है अभी। और मैच काफ़ी रोमांचक है और बहुत मज़ा आ रहा है, आज बहुत दिनों के बाद लाइव मैच देखने को मिला, और दर्शक फुली एक्साइटेड हैं आज, और सभी भरपूर आनंद उठा रहे हैं इस पलों का, इन क्षणों का, और सभी मज़े कर रहे हैं। तो आप भी लाइव मैच देखने एक बार ज़रूर आएँ, लाइव मैच देखने का भी एक अलग ही आनंद है।
तो जब भी आपको समय मिले, टाइम निकाल कर एक बार आप भी लाइव मैच देखने जरूर आएँ जयपुर के SMS स्टेडियम से। इस टाइम हम लाइव हैं और सभी अपने फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें कैद कर लेना चाहते हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की भी समस्या रहती है, पता नहीं यहाँ पर इन्होंने जैमर लगा रखा है या प्रॉब्लम है, इतने सारे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आ रहा है और नेट भी इतनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर नहीं चल रहा है। और ये देखो दर्शक डांस करते हुए भरपूर आनंद उठा रहे हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का वीडियो बना रहे हैं और लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग तो मैच देखने में इतने मशगूल हैं और कुछ लोगों को सिर्फ यहाँ पर डांस करना है, पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, शोर मचाना है, चिल्लाना है, तो बस इसी चीज़ का। देखिए सामने कुछ लोग मस्त डांस कर रहे हैं और ये देखिए ये भाई साहब बहुत देर से डांस कर रहे हैं और नाचते देखो काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है इनकी। और हम भी मैच का आनंद ले रहे हैं तो लाइव मैच देखने एक बार ज़रूर आएँ स्टेडियम में। और इसके लिए आपको टिकट बुक माई शो पर मिल जाती हैं या फिर आप किसी काउंटर से जाकर भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी मैच होते हैं लाइव तो समय से पहले ही सारी टिकटें बिक जाती हैं। तो आप जब भी मैच देखने का प्रोग्राम बनाएं जल्दी टिकट लें। ये राजस्थानी डांस और ये भाई साहब भी डांस कर रहे हैं उनको देखकर, और ये राजस्थानी कल्चर का डांस और ये राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। और ये लाइव मैच के दौरान दर्शकों के मनोरंजन के लिए डांस ग्रुप भी बुलाया गया है जो कि राजस्थान के कल्चर डांस का की परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है और सभी लोग इसका भी आनंद उठा रहे हैं मैच के साथ साथ। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आ रहा है आज हमें तो, और हम तो इस मैच का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तो आप भी एक बार मैच देखने ज़रूर जाएं जब भी आपको मौका मिले। अभी तो IPL का सीज़न चल रहा है तो जयपुर में बहुत सारे मैच हैं अभी, तो आपको भी जब भी मौका मिले आप भी मैच देखने जाएं और IPL का मज़ा लें। मैच अपनी तरफ है लेकिन जो वहाँ पर शोर होता है, जो वहाँ पर मज़ा होता है, वो एक अलग ही बस उसका एक अलग आनंद है, उसकी एक अलग फीलिंग है। तो मैच का ये देखो दर्शक भरे हुए हैं मैदान में। ये हमारे दोस्त सुमित जी सामने से आते हुए, और खाने पीने के भी चीज़ों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्राइस वाइज बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा है खाने का यहाँ पर, और लेकिन आपकी मजबूरी है, आपको 3-3.5 घंटे वहाँ पर रहना है, मैच देखना है तो आपको वहीं से परचेज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर की चीज़ें ये लोग अलाउ नहीं करते फूड्स वगैरह। तो अभी हम भी मैच का आनंद उठा रहे हैं और अभी धीरे धीरे मैच चल रहा है। तो जब भी कोई विकेट गिरता है या कोई चौका छक्का लगता है तो दर्शक काफ़ी उत्तेजित हो जाते हैं और शोर मचाते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी है कि जयपुर में रात को 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम अलाउ नहीं है। तो अभी स्टेडियम में भी साउंड बंद कर दिया गया है पूरा, इससे भी थोड़ा मज़ा कम हो गया है मैच का, क्योंकि जब तक साउंड ना हो मैच में मज़ा ही नहीं आता। तो लेकिन अभी जयपुर में साउंड 10 बजे के बाद अलाउ नहीं है तो अभी साउंड बंद कर दिया गया है। दोस्तों हम तो आज यहाँ पर मैच देखने आए थे तो हमें तो काफ़ी सारा मज़ा आया और हमने इसका बहुत ज़्यादा लुत्फ़ उठाया। तो अगर दोस्तों आपको भी जब भी मौका मिले लाइव मैच देखने का तो उसमें आप ज़रूर आना, मिस मत करना, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप भरपूर एंजॉय करेंगे और आपको वो एंजॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा कि आप उसको बहुत सारे समय तक याद रखेंगे। दोस्तों मेक योर ट्यूर्स राघव के साथ आपके लिए नए नए और भी वीडियो लाता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।